हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अलमाइटी लीगल सर्विसेज। आज हम बात करेंगे चेक बाउंस के बारे में। फ्रेंड्स, चेक बाउंस को भारतीय कानून में एक क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है। चेक बाउंस के बाद उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं, कुछ रूल्स हैं। उसके बाद आप 138 सेक्शन जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 881 के तहत आप कोर्ट के अंदर एक केस फाइल कर सकते हैं चेक बाउंस होने की वजह से। फ्रेंड्स, चेक बाउंस होने के बाद पहले आपको चेक बाउंस होने के दिन से 30 दिन के अंदर में आपको दूसरी पार्टी को जिसने आपको चेक दिया था उसको आपको एक नोटिस भेजनी होती है। नोटिस भेजने के बाद 15 दिन के अंदर अगर वो रिप्लाई नहीं करता है या फिर उसका कोई जवाब नहीं आता है तो आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। मीन्स चेक बाउंस होने के 45 दिन के बाद आप 138 का मैटर कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। उसके बाद कोर्ट प्रोसीजर चलती है और कोर्ट उसको सम्मन से बुलाती है। इसकी पनिशमेंट फ्रेंड्स 2 ईयर है। अगर वो आपकी पेमेंट नहीं करता है तो उसे 2 साल की सज़ा हो सकती है, और अगर वो आपकी पूरी पेमेंट करता है तो या तो कोर्ट उसमें आपको पूरी पेमेंट करवाएगा या फिर जो आपकी इंटरेस्ट जो आपने उसमें मेंशन किया उसके साथ पेमेंट कराएगा या उसकी डबल अमाउंट भी आपको पेमेंट करवा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे सिंपल से लैंग्वेज में चेक बाउंस के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा।